नमस्ते फ्रेंड्स आर्ट एंड में आपका स्वागत है तो आज हम बात करेंगे पेंटिकल्स की पेंटिकल्स स्टैंड फॉर मनी सिक्योरिटी फाइनेंसेस वर्क सेंशुअलिटी करियर और अगर हम इसके सिंबोलिज्म में जाएंगे तो इसका सिंबोलिज्म है एक पेंटाग्राम पेंटाग्राम जिसकी जिसको जो है स्टार के साथ सिग्निफाई किया जाता है फाइव पॉइंटेड स्टार और उसके आसपास जो है एक सर्कल अब क्वाइन हैं आप पेंटाग्राम को देखेंगे तो उसमें फाइव पॉइंटेड स्टार हैं फाइव पॉइंटेड स्टार जो है हमारे फाइव सेंसेस हमारे फाइव एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स के लिए स्टैंड करता है और उसके आसपास जो है एक सर्कल है जिसको हम क्वाइन कहते हैं तो पेंटाग्राम इज़

तो आज हम बात करने वाले हैं टू ऑफ पेंटिकल्स की टू स्टैंड करता है पार्टनरशिप के लिए रिलेशनशिप के लिए कम्युनिकेशन के लिए एक बैलेंस के लिए कार्ड में हम देखते हैं एक फनी फिगर जो कि डांस कर रही है डांस करती हुई हमें दिखती है जो कि एक बैलेंस कर रही है दो क्वाइंस के बीच में और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिगर जो है फिगर में जो है एक अनबैलेंस शो कर रहा है Like he's trying his best to balance the two coins, but he's not able to. And also, we see that he is wearing a dress of the clown. Have you noticed that? Yes. So, this clown is confused. He is not sure how to manage the current situation. he is becoming tensed. He's <laughs> tense. not how to handle situation. left right. either or तो इस सब प्रोसेस के अंदर वो एक क्लाउन बन के रह गया एंड द सिचुएशन इज मेकिंग हिम डांस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटेलिजेंस इन दिस मोमेंट ये संसार क्या है ये संसार आपको क्लाउन ही तो बना देता है ये संसार आपको जो है एक जोकर ही तो बना देता है आपको दो अपोजिट एनर्जीज को हैंडल करने के लिए जो है हर वक्त पुश किया जाता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्लैक एंड वाइट मेल एंड फीमेल डार्क एंड लाइट पॉजिटिव एंड नेगेटिव और एंड इवन और इस प्रोसेस को बैलेंस करने में आदमी की पूरी जान लग जाती है पूरा पूरा उसका जीवन का समय लग जाता है लेकिन बैलेंस नहीं हो पाता है। तो ये इमेज और कोई नहीं हमारी इमेज है जो कि हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं दो एनर्जीज़ को दो अपोजिट एनर्जीज़ को अपने साथ और इस सबके बीच में अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएँगे तो हमें देखते हैं कि एक शिप दो शिप्स जो हैं पीछे जो हैं वो सी के ऊपर एक टर्बुलेंट सी एक शो किया जा रहा है और वो टर्बुलेंट सी और कुछ नहीं वो संसार को ही दर्शाया जा रहा है इसके अंदर और वो शिप ऐसी हैं कि वो कभी भी डूब सकते हैं द डीप मैसेज विच इज़ कमिंग आउट ऑफ दिस कार्ड इज दैट यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन इट्स ओन वे इसका जो गहरा कार्ड का जो मीनिंग है जो आपको बोलने की कोशिश कर रहा है वो ये कि यूनिवर्स अपने ढंग से काम कर रहा है अगर आप देखेंगे दो पेंटिकल्स के बीच में उसने पकड़े तो हुए हैं लेकिन साथ में जो है देर इज़ ऑल्सो अ सिम्बल ऑफ़ इन्फिनिटी विच इज़ मेड एंड सिंबल ऑफ इन्फिनिटी इज नथिंग बट हैंड्स ऑफ यूनिवर्स तो अगर वो छोड़ भी देगा तो इन्फिनिटी का जो सिम्बल है इट इज़ देयर टू प्रोटेक्ट इट इज़ देयर टू टेक केयर डेज वॉट इट इज़ ट्राइंग टू टेल अस हेयर इन दिस फिगर कि आपको इस मूवमेंट को ट्रस्ट करना है आपको इस मूवमेंट को अलाउ करना है कि हैंड्स ऑफ गॉड कैन टेक केयर ऑफ़ यू ऑल यू हैव टू डू इज टू कीप योर फेथ एंड ही इज गोइंग टू टेक केयर और एक और सिम्बॉलिज्म जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ही इज़ एक्चुअली ऑन अ वर्ल्ड स्टेज लाइक ही इज अज एन आर्टिस्ट ही इज़ परफॉर्मिंग ऑन अ थिएटर स्टेज और परफॉर्म करते करते वो ये भूल गया कि वो एक्चुअली में एक आर्टिस्ट था इट वाज गिवन अ स्पेसिफिक रोल तो वो रोल को तो भूल गया लेकिन अपने इस रोल को इतना सीरियसली ले लिया कि उसने सोचा कि यही लाइफ है यही सच्चाई है आपको जैसा समझिए कि कोई एक आर्ट ऐसा आर्टिस्ट जो कि स्टेज पर जाए और अपने आप को रियल समझ ले ये ऐसा ही एक आर्टिस्ट है जिसने अपने रोल को इतना सीरियसली ले लिया है कि वो अपनी एक्चुअली में अपनी लाइफ को भूल गया है तो लाइफ भी ऐसी ही है कि आपको जो है एक वर्ल्ड स्टेज दिया गया है उसमें आपको जो है दो अपोजिट एनर्जीज के साथ प्ले करने के लिए जो है वो रोल मिला गया है रोल करिए अच्छे से रोल करिए बेखूबी अपना रोल निभाइए अच्छे से बट एक चीज़ मत भूलिए कि अल्टीमेटली इज जस्ट अ रोल अल्टीमेटली इज जस्ट अ प्ले एंड एवरी थिंग इज गोइंग टू फिनिश थिंग्स आर गोइंग टू चेंज आर नॉट हेयर परमानेंटली ऑल दिस प्ले विच इज अराउंड इट इज जस्ट टेंटिकल आपके लिए आता है तो सबसे पहली बात तो आपको ये बोलता है कि ट्राई नॉट टू वरी सो मच इन दिचुएशन एंड ट्राई नॉट टू वरी अबाउट बैलेंसिंग टू थिंग्स एट द सेम टाइम हो सकता है आप उस वक्त जो है कुछ फाइनेंसेस जो है अपने मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं घर को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं ऑफिस को मैनेज की कोशिश कर रहे हैं अपनी प्राइवेट लाइफ को या फिर या फिर अपने ऑफिशियल लाइफ को जो है मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ अनबैलेंस हो जा रहा है और इस वक्त कार्ड आपको ये कहता है जब ये आपकी रीडिंग में आएगा वो आपको ये बोलता है कि ट्राई नॉट टू वरी द हैंड्स ऑफ द यूनिवर्स दे आर टेकिंग केयर ऑफ यू लीव योर सेल्फ टू दू देंड्स ऑफ द यूनिवर्स अपने आप को आप पूरी तरह से लेट गो करिए स्टेज में और यूनिवर्स इज गोइंग टू टेक केयर सो दिस वाज़ द मैसेज एंड दिस वाज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ टू ऑफ पेंटिकल्स आशा करता हूं आपको टू ऑफ पेंटिकल्स की इंटरप्रिटेशन पसंद आई होगी एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नमस्ते